बिल्कुल भी साइन चेंज नहीं किया, ठीक है। देन एफएक्स एफएक्स नॉट, या सीधा लिखेंगे देन एक्स नॉट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दैट मीन्स नीदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, ना तो वहां पे मैक्सिमा होगा और ना ही वहां पे मिनिमा होगा, दैट इज टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है और हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में हम लोग इसको नहीं लगाएंगे, वहां पे हम लोग कोशिश करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने का, वो भी आपको समझाया जाएगा, पहले आप इसको समझिए। सबसे पहले आपसे कहता है किसी भी ओपन इंटरवल में अगर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स हर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, जहां पे भी आप टेंजेंट सॉरी जहां पे भी आप मैक्सिमा या मिनिमा निकालोगे, जब भी हम लोग उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट टेंजेंट मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। उसके बाद आपसे कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, किसी भी फंक्शन की लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए हम लोग इस डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपसे बोलते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी डिफरेंशियबल फंक्शन है ओपन इंटरवल ए बी में, देन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल इज सेड टू हैव द लोकल मैक्सिमा इफ इट्स डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्स नॉट और इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, देन वी से एफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स नॉट इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सिमिलर तरीके से अगर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो हम लोग बोलते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू होता है एफ एक्स। और तीसरे नंबर पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो आपसे कहते हैं हमने एफ डैश एक्स नॉट निकाला, जीरो के बराबर आ गया। उसके बाद हमने एक्स नॉट के नेबरहुड को चेक किया, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसका साइन चेंज नहीं होता, या तो वो पॉजिटिव से पॉजिटिव रहेगा या फिर वो नेगेटिव से नेगेटिव रहेगा। अगर ऐसा होता है देन वी से एक्स नॉट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो एक्स नॉट हमारे पास है वो इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है। अगर ये हमारे पास इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट के ऊपर ना तो हम लोगों को फंक्शन की मैक्सिमा वैल्यू मिलेगी और ना ही हम लोगों को फंक्शन की मिनिमा वैल्यू मिलेगी, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहता है हमारी एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 8. जो भी है, ठीक है, 8.4 होगा शायद, हाँ। तो हमसे कहता है एक्सरसाइज नंबर 8.4, तो एक्सरसाइज नंबर 8.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपसे कहते हैं फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एनी हैवी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास लिखा है एफ ऑफ एक्स विच इज गिवन बाय 3x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2, ठीक है। आपसे कहते हैं आपको इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखानी है कि इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स 3 डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, इसको लिखेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ 2। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस का 4, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, इसको लिखेंगे 6x और माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर मैं यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना चाहता हूं तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए मैंने इस फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 कर दिया, सो 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो 6x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, सो एक्स इज इक्वल टू 4/6, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2/3, सो हमारे पास एक पॉइंट आएगा एक्स इज इक्वल टू 2/3। जब हम 2/3 की बात करेंगे तो 2/3 का मतलब है 0.6 और 666 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं देखो, हमने एक्स इज इक्वल टू 0.66 ले लिया, फिर हमने आपको सिखाया था इससे थोड़ा सा छोटा और इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा लेना है या इससे थोड़ा सा छोटा लेना है, तो मान लो मैंने 6.065 ले लिया,
इससे थोड़ा सा बड़ा लेना है तो आप 0.66 ले लो, ऐसे ले सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के डेरिवेटिव को, साइन को चेक करेंगे। जैसे हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव है दैट इज 6x-4, ये तो जस्ट मैं आपको वैसे रख के दिखा रहा हूं, आपको रख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इससे छोटा कोई भी वैल्यू लो और इससे छोटा कोई भी बड़ा वैल्यू लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने फंक्शन के डेरिवेटिव को 0.65 पे चेक किया, तो 6 × 0.65 - 4, 6×5 = 30, इसको लिखेंगे 39, ठीक है। और ये कहेगा 3.90 - 4, इसको लिखेंगे तो माइनस का 0.10, 0.66 से थोड़ा सा बड़ा हमने लिया 0.67, तो अपने फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0.67 पे निकाल ली, तो 6 × 0.67 - 4, तो 6 × 7 = 42, 4 × 40 ये आएगा 4.02 - 2, सो दिस इज 1.02। तो आप देख सकते हो कि आप क्या लिखोगे, इन नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू 0.66 एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक चेंज हो रहा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तक चेंज हो रहा है देन एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ 2/3 या एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 2/3 के ऊपर फंक्शन जो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फिर आपसे कहता है फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो किसी भी फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, इस तरह हम लोग किसी भी फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसके ऊपर, 2/3 के ऊपर, तो निकाल दो। तो आप इसको फंक्शन में पुट कीजिए, 3 2/3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 × 2/3 और प्लस का क्या आएगा 2 आ जाएगा, इसको लिखेंगे 3 × 4/9, इसको लिखेंगे -8/3 और प्लस में क्या आएगा 2 आ जाएगा, इसका 9 एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 12 माइनस का 24 प्लस का 18, 30 में से 24 जाएगा 6/9, इसको कैंसिल कर देना तो कितना आएगा 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है 2/3। तो आप लिखोगे लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन है उस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू है 2/3 एट एक्स इज इक्वल टू 2/3। 2/3 इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू 2/3 के ऊपर। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस का 4x प्लस का 2, हम लोगों ने इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2/3, तो बाद में निकालेंगे, पहले हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकाला, जब क्रिटिकल पॉइंट निकला 2/3 आया, 2/3 को जब हमने कैलकुलेट किया तो 0.66 आता है, तो 0.66 से थोड़ा सा छोटा 0.65, और 0.66 से थोड़ा सा बड़ा 0.67। हमने यहां पे फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक किया, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है इसका मतलब फंक्शन जो है दैट इज अटेनिंग लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2/3। फिर हमने वहां पे 2/3 को पुट किया, जब 2/3 को अपने पुट किया तो हम लोगों को दिखा कि फंक्शन का वैल्यू 2/3 ही आ रहा है, दैट मींस द फंक्शन इज हैविंग द लोकल मिनिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू 2/3 एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2/3, ठीक है जी। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहता है, बिल्कुल इसी तरीके का पार्ट है, फिर एक दो आप करके दिखाना। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहता है, जैसे हमारे पास आगे है उसमें हमारे पास लिखा है सेकेंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 2x³ - 21x² 36x - 20, ठीक है, 2x³ माइनस
21x का स्क्वायर प्लस का 36x और माइनस का 20। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया। जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो दो बाहर d बाय dx, x क्यूब का 21 बाहर d बाय dx x स्क्वायर का, 36 बाहर d बाय dx x का और 20 का जीरो हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3x का स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई 2x प्लस का 36 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का 36। इसमें से 6 को बाहर निकाल लो, x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 6। इसे फैक्टर बना सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6, 6 इंटू x माइनस 6 माइनस 1 इंटू x माइनस 6। इसको लिखेंगे x माइनस 6 और x माइनस 1। फिर आप क्या लिखोगे, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना चाहते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो कर दिया। सो 6 इंटू एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 1 विल बी जीरो, एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 1 जीरो बाय 6 विल बी जीरो। सो एक्स माइनस 6 विल बी जीरो, एक्स माइनस 1 विल बी जीरो। तो x का वैल्यू 6 और 1, तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, x इज इक्वल टू 1 निकलेगा और x इज इक्वल टू 6 निकलेगा। सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू 1 का बात किया। फंक्शन के डेरिवेटिव को आप यहां रख दीजिए, फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास है 6 इंटू एक्स माइनस 6 और उसके ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1। फिर आप क्या करोगे, एक से छोटा एक से बड़ा फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक करना। अगर एक से छोटा है तो आप एक से छोटा कोई भी वैल्यू लगा के देख लो। मान लो एक से छोटा हमने वैल्यू इसमें लगाया, एक से छोटा वैल्यू लगाने का मतलब 0.5 लगा लो। अगर मैंने 0.5 लगाया ये तो पॉजिटिव है ही है, 0.5 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, 0.5 माइनस 1 करेंगे तो भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 1 प्लस के ऊपर, 1 प्लस का मतलब एक से बड़ा, एक से बड़ा मतलब आप डेढ़ लगा लो। अगर मैंने डेढ़ लगाया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये तो पॉजिटिव है ही, 1.5 माइनस 6 करूंगा तो माइनस का 4.5 आएगा तो नेगेटिव है, 1.5 माइनस का 1 करेंगे तो फिर प्लस का आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब क्या जाएगा नेगेटिव जाएगा। इसका मतलब 1 के नेबरहुड में फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप क्या लिखोगे, एस एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव सो एक्स इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और फंक्शन की लोकल मैक्सिमा वैल्यू निकालनी है तो एक्स की जगह पे 1 लगा दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 1 का क्यूब माइनस 21 1 का स्क्वायर 36 इंटू 1 और माइनस का 20। इसको लिखेंगे 2 माइनस 21 प्लस का 36 माइनस 20 38 माइनस 41, 38 में से 41 जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को निकालना है फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए आगे चलेंगे। अभी ये तो मैक्सिमम था, जैसे हमने 1 पे चेक किया ऐसे हम लोगों को 6 पे चेक करना, 6 से थोड़ा सा कम और 6 से थोड़ा सा ज्यादा। 6 से थोड़ा सा कम 5.9 ले सकते हैं, अगर मैंने 5.9 लिया तो 6 तो पॉजिटिव है ही, 5.9 में से 6 को घटाएंगे तो वही सीधी सी बात है नेगेटिव आएगा, 5.9 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टीमेटली क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। 6 से थोड़ा सा बड़ा, 6 से थोड़ा सा बड़ा का मतलब 6.1 ले लो, अगर मैंने 6.1 ले लिया तो ये भी ग्रेटर है ये भी ग्रेटर है पॉजिटिव है, तो आप इसको लिख लेना पॉजिटिव, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव और ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसका निशान कैसे चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आप लिख देना एस एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव सो
fx is having local minima, जो function है उसकी local minimum value होगी, तो function की local minimum value निकालते हैं. x में जाओ, function में जाओ, जहां x दिख रहा है 6 लगा दो, तो क्या लिखेंगे 2 × 6 का क्यूब, 21 × 6 का स्क्वायर, प्लस का 36 × 6 और माइनस का 20, 216 को 2 से गुना करेंगे तो 432, 36 की गुना 21 से कर दो 756, तो माइनस का 756, 196 और माइनस का क्या आएगा 20 आ जाएगा, इसको जोड़ो तो कितना आएगा 776, तो हो जाएगा 432, 196, 8, 12, 6, तो इसको लिखेंगे 628, माइनस में 776, 773 में से 628 को घटा दो, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 6 गया 1, तो आप इसको लिख देना माइनस का 148. ठीक है, तो फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस का 128 एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है इसको एक बार चेक कर लो थोड़ा सा, कहीं गड़बड़ ना होगी उसके बीच में. तो हमारी बुक में जो आंसर दे रखा है कि -3 वैल्यू है लोकल मैक्सिमम एक्स इज इक्वल टू 1 पे, और इस पे जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है वो है माइनस का 128. तो इसका कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, 432 में 20 को जोड़ा, तो 432 में 20 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी 432 में 196 को जोड़ा, जब 432 में 196 को जोड़ेंगे 6 × 2 = 8 = 12, एक आगे चला गया 628 आ गया, और 756 में 20 को जोड़ेंगे तो 776 आ जाएगा, और अगर 776 आएगा तो इसको कैंसिल करते हैं, 776 में से 628 जाएगा तो हमारे पास 148 आ रहा है, और इसके आंसर में हमारे पास माइनस का 128 देखा. तो देखिए कहां गड़बड़ किया, इसको हम एक्चुअली उठा के ना थोड़ा साफ सुथरा करके ऊपर ही लिख देते हैं, तो हमको ये तो पता लग गया कि 6 के ऊपर लोकल मिनिमम वैल्यू है, और अगर 6 के ऊपर लोकल मिनिमम वैल्यू है तो उसको यहां लिख देते हैं. देखो क्या कहता है, फंक्शन की वैल्यू 6 पे 2 × 6 का क्यूब, 21 × 6 का स्क्वायर, अब गलती पता लग गया, यहां गलती थी 36 × 6 माइनस का 20, ये तो सीधा सीधा 432 आएगा, इसको लिखेंगे तो हमारे पास कितना था 36 गुना में 21 12, 756, 36 को 6 से गुना करेंगे 216 माइनस का 20, अब बिल्कुल ठीक आएगा, 432 में 216 को जोड़ दो, 432 में 216 को जोड़ेंगे 8 × 4 = 6, 648 माइनस 776, इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस का 128. दैट मीन्स द फंक्शन इज हैविंग द लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 6. जो फंक्शन हमारे पास है उस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू है माइनस 128 एट एक्स इज इक्वल टू 6 के ऊपर. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है. लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा वैल्यू रख के दिखाया था, कई लोग उस पर एतराज उठाते हैं, बोलते हैं कि सर वैल्यूज आप कैसे रख सकते हो क्योंकि उससे छोटी तो बहुत सारी वैल्यूज होती है. तो अगर आप वैल्यू नहीं रखना चाहते तो अपने मन में कोई वैल्यू सोच लो, उसके बाद उसको इसके बीच में पुट कर दो और फिर देखो कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा बिहेव कर रहा है. अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है दैट मींस वी आर हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट. अगर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है इसका मतलब फंक्शन इज हैविंग लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट. ये था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा. अब हम आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, लिखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. ये जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है इसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अच्छे से इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के, और मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस के अंदर हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसा बन जाता है जिसके बीच में ये वाला डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, फिर हम लोग वहां पे दोबारा से या तो फर्स्ट डेरिवेटिव की चलते चलते या फिर हमारे पास हाई ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक आधा क्वेश्चन है उसमें यूज होगा,
नहीं तो हमारे सिलेबस में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तक ही है, ठीक है। तो आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन। जो एफ एक्स हमारे पास है वो क्या है, डिफरेंशियबल फंक्शन है एट आई, आई का मतलब है कोई भी एक ओपन इंटरवल है, एंड लेट एफ डबल डैश एक्स बी कंटिन्यूस एट एक्स नॉट, देन नंबर वन एक्स नॉट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ एफ डबल डैश एक्स नॉट इज लेस देन जीरो। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे जीरो से छोटा है, दैट मींस द फंक्शन इज हैविंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड नंबर पे आपसे कहता है एक्स नॉट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ एफ डबल डैश एक्स नॉट ग्रेटर देन जीरो। और तीसरे नंबर पे आपसे कहता है एफ डबल डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। वहां पे जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, देन वी आइदर मूव्स टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। वहां पे हम लोग या तो सेकेंड ऑर्डर की तरफ, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की तरफ चलते हैं, या फिर जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उनका इस्तेमाल करते हैं। हायर ऑर्डर का एक आधा क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा, पहले इसका एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है, एफ एक्स इज गिवन बाय 3x की पावर 4 प्लस का 4x का क्यूब माइनस का 12x का स्क्वायर और प्लस का 12। ये आपको पिछले वाले से ज्यादा आसान भी पड़ेगा और इजी भी पड़ेगा, ठीक है, टाइम भी इसमें कम लगेगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले इसको लगाने की। तो हमारे पास एफ एक्स है 3x की पावर 4 प्लस में 4x का क्यूब माइनस में 12x का स्क्वायर और प्लस में क्या है 12। हम लोगों ने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो आपके पास आएगा 12x का क्यूब 12x का स्क्वायर माइनस का 24x और 12 का कितना होगा 0, ऐसे होगा ना। तीन बाहर x की पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x का क्यूब, x की पावर 3 का डेरिवेटिव होगा 3x का स्क्वायर माइनस का 12 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और 12 का कितना होगा 0। तो आप इसको देख सकते हो एफ डैश एक्स तुम्हारे पास आएगा 12x का क्यूब 12x का स्क्वायर माइनस का 24x। किसके को रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, जीरो के बराबर रखेंगे। हमने यहां से 12x को बाहर निकाल लिया तो बीच में आ गया x का स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस का x, ये हमारे पास आएगा माइनस का 2, किसके बराबर आएगा जीरो के। हमने यहां से 12x को बाहर निकाला तो बीच में आ गया x का स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 2 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 और 0 बाय 12, ठीक है, x को तो यही रखो भी, तो ये किसके इक्वल आएगा जीरो के। इसको लिखेंगे x, इसके फैक्टर बना दो x का स्क्वायर 2x, ये इसको भी इसके साथ ही लिखा रहने दो, बाद में दिक्कत आएगी, नहीं तो सही है कोई बात नहीं। 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, एक्स को बाहर निकालना एक्स इंटू एक्स प्लस 2, माइनस 1 को बाहर निकालना एक्स प्लस 2, इसको लिखेंगे तुम्हारे पास आएगा एक्स प्लस का 2 एक्स माइनस 1 दिस विल बी जीरो, तो ये आएगा एक्स एक्स प्लस 2, तो x की वैल्यू 0, यहां से निकालेंगे x की वैल्यू माइनस 2 और यहां से निकालेंगे x का वैल्यू 1। तो हमारे पास तीन क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे, 0 माइनस 2 और फिर क्या आएगा 1, ऐसा आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव। जब हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखो 12x का क्यूब था, इसका क्या बन जाएगा 36x का स्क्वायर, 12x स्क्वायर था इसका क्या बनेगा 24x और 24x का क्या बनेगा 24 बन जाएगा। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो पे निकाला, 36 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस का 24 इंटू जीरो माइनस का 24, सो दैट विल बी 24
less than 0, इसलिए function is attaining maximum value at x is equal to 0. तो आप लिख सकते हो, x is equal to 0 is a point of local maxima. और function का value 0 पे निकालेंगे, सब कुछ 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 12. तो 0 पे local maxima है, उसकी value कितनी है, 12. आगे चले, function का derivative minus 2 पे, 36 माइनस 2 का स्क्वायर 24 माइनस का 2 और माइनस का 24 तो 36 गुना 4 माइनस का 48 माइनस का 24 4 6 के 24 2 144 8 4 12 1 आगे जाएगा तो कितना आएगा 7 आ जाएगा ठीक है और 72 144 में से 72 जाएगा तो ये 0 से बड़ा है इसका मतलब x is equal to minus 2 is a point of local minima. तो function की value आप minus 2 पे निकाल दो. जब function की value minus 2 पे निकालेंगे, 3 into minus 2 की power 4 plus का 4 into minus 2 का cube minus 12 into minus 2 का square plus का 12. इसको लिखेंगे 16 या कितना आएगा 48. इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 8. 8 चौका 32. इसको लिखेंगे 12 चौके 48 और plus में 12 आ जाएगा. तो 48 से 48 कट गया, माइनस 32 प्लस का 12, तो कितना आ जाएगा माइनस का 20. तो आप लिख लेना फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस 2 पे कितनी आ रही है, माइनस का 20 आ रही है. अब चेक करना है फंक्शन का डेरिवेटिव 1 पे. जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव 1 पे चेक करोगे तो 36 1 का स्क्वायर 24 * 1 माइनस 24 कैंसिल हो जाएगा, 36 0 से बड़ा है. तो आप लिख देना x is equal to 1 is a point of local minima. तो function का value निकालेंगे 1 पे, तो आएगा 3 plus का 4 minus 12 plus का 12 कट गया, तो 7 आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग अपने second derivative वाले test को भी use कर सकते हैं. ये तो just एक example था, आने वाले लेक्चर में आपको मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा. वैसे कंप्लीट ये है, ऐसे ही करते हैं. जब पेपर में क्वेश्चन आता है, f of x बराबर था 3x की पावर 4 प्लस का 4x का क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 12. सबसे पहले हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो हमारे पास आ गया 12x का क्यूब प्लस में 12x का स्क्वायर माइनस का 24x. क्रिटिकल पॉइंट से ले 0 किया, क्रिटिकल पॉइंट से निकाले 0 माइनस 2 और 1. फंक्शन का डबल डेरिवेटिव किया, 0 को पुट किया नेगेटिव आ रहा था तो लोकल मैक्सिमा, 0 को माइनस 2 को पुट किया तो पॉजिटिव आ रहा था लोकल मिनिमा, फिर 1 को पुट किया तो भी पॉजिटिव आ रहा था लोकल मिनिमा. लोकल मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए हमने इसके बीच में पुट कर दिया. तो फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है 12, लोकल मिनिमम वैल्यू दो पॉइंट पे आती है, एक माइनस 2 पे एक 1 पे. माइनस 2 पे 20 आ रहा है और 1 के ऊपर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आज के इस वीडियो लेक्चर में जितना भी आपको पढ़ाया गया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं. फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर लक्ष्मी नारायण मैथ्स फैकल्टी हमारा फेसबुक पेज है, आप उसको वहां भी पोस्ट कर सकते हैं. जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स हम लोग आपके लिए हर रोज प्रोवाइड करा सके. तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उसका बेनिफिट उठा सके. तो आज के स्टूडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट स्टूडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू.